कैसे आप लोग, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू आर एस एस सी ब्लॉग। टुडे वी आर इन पीएफ कीज एंड यहां पे एक इवेंट कवर करने आए। दिस इज द स्पोर्ट्स गाला इवेंट। दिस इज होस्टेड बाय मैम माया मुइन, प्रोफेसर डॉक्टर साजदा परवीन। इन सब इवेंट्स को मैनेज कर रही हैं। एक स्मॉल लेवल पे यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट हो रहा है और आपके भाई को इन्वाइट किया गया था कि कवर किया जाए, तो हम आ गए एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस। हम बहुत सारे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लूडो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। तो स्टिक अराउंड, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, क्योंकि शायद अगर आप इस यूनिवर्सिटी से फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर टू फॉलो माई दीज लिंक्स। और मैं जब मैं फोटोग्राफी क्लिक कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर भी करूँगा जरूर। जब फोटोग्राफी दी है तो शेयर भी होगी। मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। इसके साथ अब हम चलते हैं रिकॉर्ड करने। बाकायदा ट्रेनिंग और बाकायदा तमाम चीज़ों का सिलसिला। सबसे पहले तो मैं सबसे बसद एहतराम और खराबा जनाब एयर मार्शल सदरमान साहब के साथ अदा करती हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें खुशियात बहुत है। आपने देख लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ बढ़ना है तो अपने जिस्म दिमाग के अंदर दो चीज़ें पैदा करनी होंगी। एक तो मुकाबले की कैफियत पैदा करें, मगर वो मुकाबला साजिश के साथ ना हो। दूसरी चीज़ यह है कि मजबूत सोच के साथ किसी इरादे को, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपका इरादा बदलता है, इरादा बदलता है तो ख्याल बदलता है, ख्याल बदलता है तो अंदर की दुनिया बदलती है, और अंदर की दुनिया बदले तो बाहर बदलता है। इसलिए कहते हैं जिसका बाजू साफ है उसका जाहिर साफ हो जाता है। हमारे कैंपस इंचार्ज जनाब महमूद साहब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारे साथ, हालांकि कम वक्त आपका हमारे साथ गुजरा है, लेकिन बहुत मेहरबानी फरमाई और तमाम चीज़ों में मैनेजमेंट में हमारे साथ रहे हैं। नईम भुजानी साहब का बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ करा देती हूँ, आप सर पहले तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ वो तमाम खवातीन हैं, इस वक्त खवातीन भी हैं और उनके साथ मेल भी मौजूद है। मिस माया मोइन, आपने मोइन एकेडमी का नाम सुना होगा, पाकिस्तान की बेहतरीन बैडमिंटन जहाँ से नाजो शकूर और दूसरे तमाम लोगों की तबीयत होती रही, मोइन साहब इनके शौहर, लेकिन चूंकि इस वक्त सिंध गेम्स चल रहे हैं और माशाल्लाह वो लोग पूरे पाकिस्तान की तैयारी करा रहे हैं चारों सूबों की, तो मिस माया यहाँ मौजूद है। मिस माया इंटरनेशनल प्लेयर है हॉकी की, बैडमिंटन की, तमाम एजाज़ के साथ आपके साथ यहाँ मौजूद है। मामूली लोग नहीं है जो आपके साथ है, या खवातीन मत समझिए। एक बड़ा नाम है और चूंकि सिंध गेम्स में चूंकि मैं भी इसको मुनक्किद कराती रही हूं, तो मेरे साथ हर दम दामे दर में सिखाने ये मौजूद रहे। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे यहां तशरीफ लाई हैं और अपना कीमती वक्त जो वहां देना था उन्होंने यहां दिया। बच्चों की एक दिन पहले आकर रहनुमाई भी फरमाई थी। आपके साथ ये जो हमारी दूसरी मुसलमा यहाँ खड़ी है, ये हॉकी की ओलंपिक खिलाड़ी है। तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं इस चैंपियनशिप में जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन में जिसमें हिस्सा लिया है। आई वुड अप्रिशिएट दैम, वेरी वेल डन। प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड के जब तक, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब तक आप लोगों का दिमाग फ्रेश रहेगा, जब तक आप लोगों की एनर्जीज इन डायरेक्शंस में जाती रहेंगी, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। वरना इस एज में वी हैव लॉट ऑफ एनर्जीज, हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के, अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में उनको इस्तेमाल ना करें तो आप उसको अल्टीमेटली दूसरा वे डिस्ट्रक्टिव वे ही होता है, तो आप उस तरफ लेके जाते हैं। सो वेरी वेल डन, शाबाश। कि अगर आप लोगों को कोई गेम बहुत अच्छा आता भी नहीं है, कोई उस
उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई आपने चैंपियनशिप कोई वर्ल्ड चैंपियन या सिर्फ बन के जाना नहीं है, मगर अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने दिमाग को फोकस रखने के लिए इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। आज